नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। मैं सुभाष, आप सबका डोगिया क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देख रहे हैं क्यूओडी की सीरीज। अपने दो सीरीज कर ली, अपना आज तीसरा दिन है अपना क्यूओडी का। इसमें अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, हर एक टॉपिक से अपन उठाते हैं। तो अभी अपन परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अपने चार क्वेश्चन कर लिए परसेंटेज के, एक क्यूओडी में अपन दो क्वेश्चन देखते हैं लगभग एक जैसे ही, जिनका सॉल्यूशन अपन बहुत ही यूनिक मेथड में बताते हैं। तो ये आपके एकदम एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होंगे, तो आप इनको जरूर देखा करो। ये 5-6 मिनट के वीडियो होते हैं, इनको आप आराम से देखो, ये सोते टाइम भी देखे जा सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट समझो बस आप, ताकि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में तो आप उनको तुरंत सॉल्व कर दो। तो आज की क्यूओडी में अपन ने संभल किया है परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखो, कह रहा कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर बताओ। देखो दोस्तों, एक चीज है टैक्स, एक है शुद्ध इनकम। शुद्ध इनकम, अब मेरे को एक बात बताओ कि देखो, कोई व्यक्ति था जिसको पहले 100 रुपए मिलते थे, समझना बात को, जिसको पहले 100 रुपए मिलते थे किसी कंपनी से, उसको 10 रुपए उसके टैक्स में कट जाते थे, तो उसकी शुद्ध इनकम थी 90 रुपए। ठीक है, यानी अगर बात करें अपन टैक्स की, तो वो 10 रुपए था, शुद्ध इनकम कितनी है 90 रुपए, तो जो टोटल इनकम है वो कितनी हो गई 100 रुपए। अब कह रहा है कि शुद्ध इनकम कम हो जाती है और टैक्स बढ़ जाता है, इनकम टैक्स बढ़ गया 17%। पहले था 10 रुपए टैक्स लग रहा था, अभी 17% बढ़ गया, तो जितना टैक्स बढ़ा है डेफिनेटली बात है उतनी ही अमाउंट मात्रा में इनकम है वो कम हुई है। क्यों? क्योंकि जो टोटल जो नेट इनकम थी वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, समझ रहे हो। यानी कि अगर टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है तो जितनी बढ़ोतरी हुई है उतनी ही पैसों में जो कमी है वो इनकम में होगी, ये बात तय है। तो देखो अपन यहां से क्या करेंगे, अपन को कह रहा है कि इनकम टैक्स बढ़ गया 17%, मान लिया कि पहले जितना टैक्स था उसका वैल्यू था टैक्स, उसको अपन ने टैक्स के नाम से ही लिख दिया, यानी पहले जितना वैल्यू था उसका टैक्स वैल्यू था वो बढ़ गया 17%, तो इसका अपन ने कर दिया 17/100। ये कुछ रुपए हो गए जो कि बढ़े हैं टैक्स के, उसको देने हैं, तो वो जितने रुपए बढ़े वही तो इनकम कम हुई है ना, तो वो कितनी है शुद्ध इनकम का 3%। यानी शुद्ध इनकम का 3% जब और टैक्स का 17% दोनों बराबर में है, ये बात समझो बस आप। यानी कह रहा कि इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो टैक्स का 17% और शुद्ध इनकम का 3% जो कम हुआ है दोनों बराबर में है, यानी 100 से 100 कैंसिल। अगर टैक्स यहां पड़ा है, शुद्ध इनकम अगर इसके नीचे लाए तो देखो टैक्स अपॉन में शुद्ध इनकम, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो ये 3 के नीचे में 17 जाएगा, यानी 3/17। यानी अगर टैक्स 3 रुपए लग रहा है तो शुद्ध इनकम कितनी है 17 रुपए, तो जो नेट इनकम है वो कितनी है 20 रुपए। क्यों? क्योंकि टैक्स और इनकम, शुद्ध इनकम मिलके तो नेट इनकम बनती है, तो कितनी है 20 रुपए, जबकि टैक्स कितना लग रहा था 3 रुपए। तो अगर परसेंटेज रेट की बात करें कि इनकम टैक्स की दर क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर इनकम टैक्स की दर निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 रुपए टैक्स के लग रहे हैं 20 रुपए पे और गुणा में 100, 20 का भाग इसमें 5 × 5 = 15%। यानी शुद्ध इनकम, सॉरी, जो इनकम टैक्स की जो रेट है वो कितनी आ गई 15%, समझ रहे हो दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके पूरा दिमाग में क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स 30% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 5% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर अपन को बतानी है। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम अपन ने यहाँ पे लिया टैक्स, यानी कह रहा है कि टैक्स कितना बढ़ा 30%, तो टैक्स का अपन ने 30% जो बढ़ाया है वो कायदे से किसके बराबर में है, जो शुद्ध इनकम है, शुद्ध इनकम है उसका 5% है। आधी बात समझ में, यानी जितना टैक्स बढ़ा उतनी ही शुद्ध इनकम कम हुई है, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया। अगर अपन बात करें 5 × 5 और 5 × 6 = 30,
यहाँ टैक्स या शुद्ध ऋण मुक्त अपन नीचे लाते हैं तो टैक्स अपॉन में शुद्ध इनकम इक्वल्स टू 1/6, यानी अगर टैक्स 1 रुपया लग रहा है तो शुद्ध इनकम कितनी है 6 रुपए, यानी नेट इनकम जो टोटल इनकम है वो कितनी है 7 रुपए। तो देखो टोटल इनकम 7 रुपए है, टैक्स लग रहा है 1 रुपया और गुणा में 100, तो जो इनकम टैक्स की जो दर है वो कितनी आ गई 100/7, इट मीन्स 14.2%। तो जो इनकम टैक्स की जो दर है वो कितनी है दोस्तों 14.2%। तो ये था आज का क्यूओडी, दो ही क्वेश्चन है, ये मेंस में सीधे सीधे आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा डाटा चेंज हो जाएगा क्या पता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं, कोई इसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम ऐसे बढ़ता है, यही कम होता है और यही अपने को रेट पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप अपनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में अपन को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है आपको लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से आप चैनल से जुड़ जाए वहाँ, ताकि मैं वहाँ सारे वीडियो डालता हूँ। जो व्यक्ति मेरे से डायरेक्टली नहीं जुड़ा, जो मेरे कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली नहीं है, उस तक अगर ये वीडियो वो चाहिए कि मेरे पास ये वीडियो पहुँचे, तो वो उस चैनल को जुड़ जाए, ताकि मैं उस चैनल में वो हर वीडियो डालता हूँ जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपके पास में वो पहुँच जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे जो एक वीडियो है वो आपके पास में सबसे पहले आए। समझ रहे हो दोस्तों, अपना स्नेह यू बनाए रखना। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।